हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड टू गेट रेगुलर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर एग्जाम्पल। Example in figure shows an inverted differential manometer having an oil of specific gravity 0.8 connected to two different pipes carrying water under pressure. Determine pressure in pipe P. The pressure in pipe A is 2.0 मीटर्स ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पे हमें जो बातें जो यहाँ पे बताई गई वो ये है कि ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो दी है हमें 0.8। ठीक है, ये बात हो गई। एंड देन है टू डिफरेंट पाइप्स जो है कैरिंग वाटर है, तो यहाँ पे दो डिफरेंट पाइप्स में वाटर है ए और बी में, और बीच में जो कनेक्ट कर रहा है वो है लाइटली लिक्विड जो है वो कनेक्ट कर रहा है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमें दी है 0.8। यहाँ पे कहा गया कि द प्रेशर इन पाइप ए इज 2 मीटर ऑफ वाटर, मीन्स यहाँ पे प्रेशर हेड जो दिया है वो है 2 मीटर्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर का जो होता है इंटू वन ही होता है, तो 2 मीटर जो है उसकी प्रेशर हेड की वैल्यू हो जाएगी। हमें निकालना है डिटरमाइन प्रेशर इन पाइप पी। यहाँ पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर पी जो है हमें यहाँ पे बेसिकली निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हम जो है इस फिगर में आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये यूट्यूब मैनोमीटर जो है वो इन्वर्टेड है, यानी कि उल्टा है, इसलिए उसे इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर कहते हैं। तो फिर इसमें ये बात बताई गई कि देखिए ये डाटम जो है हम वहाँ पे जो करेंगे, एक जो सबसे ऊपर होगी, यानी कि हम अगर नीचे से देख रहे ये सबसे जो ऊपर ये है, इसे हम हमारा एक्स एक्स जो है कंसिडर करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा हाइट हो जाएगी एच और लाइटली लिक्विड जो है इसके लिए एच की वैल्यू ये हो जाएगी इतनी, इसकी वैल्यू हमें दी है 150 mm। एंड देन फॉर दिस पाइप आप बी, बी के लिए जो हमें यहाँ पे हाइट मिलेगी एच टू मिलेगी, या फिर एच पी भी आप इसे लिख सकते हैं, एच टू लिखेंगे तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे एच टू जो है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 150, यहाँ से यहाँ तक हमें दी है यानी कि एच की हाइट, और यहाँ से एच से बी के सेंटर तक जो है हमें दी है 100। तो इन दोनों को टोटल मिला के हमें एच टू की वैल्यू जो है मिल जाएगी, जो होगी 250 mm। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो है हमें एट पाइप ए हमें हमें टोटल जो है मतलब इससे एक्सेस से यहाँ तक सेंटर तक 300 mm दी है, यहाँ पे H1 की जो वैल्यू होगी होगी 300 mm। यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर हमें पता ही देती है, 1 होती है करके, इन दोनों की 1 दी है और इसकी 0.8। चलिए हम अपना की वन जो है वो तो की वन डाटा लिख लेते हैं। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है एट ए वो है 1, स्पेसिफिक ग्रेविटी एट पी वो भी है 1, देन एच वन की जो वैल्यू दी है वो है 300 mm यानी कि 0.3 मीटर, एच टू की वैल्यू दी है वो है 250 mm जो हमने यहाँ पे निकली, या फिर आप यहाँ पे भी निकल सकते हैं यानी कि 0.25 mm, और एच थ्री जो है हमारा सॉरी एच है उसकी वैल्यू हमें दी है 150 mm यानी कि 0.15 मीटर। तो ये हो गई हमारी हाइट्स। और बाद में हमें जो एक प्रेशर हेड एट ए दी है उसकी वैल्यू हमें 2 मीटर, ये वैल्यू हमें जो है दी है
और एक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जो लिक्विड दी है हमें, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, वो है 0.8। ठीक है, तो ये हमें गिवन डाटा जो है हमारा यहाँ पे हो गया, हमारा गिवन डाटा ख़त्म। अब जो है हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। देखिए, सॉल्यूशन निकालने से पहले आपको समझना होगा कि आपको निकालनी कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रेशर जो है निकालने के लिए कहा गया है एट पी, तो हमें प्रेशर एट बी निकालना है। उसके लिए हमें जो पहले निकालना पड़ेगा प्रेशर हेड एट पी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा है? तो पड़ेगा कि प्रेशर हेड एट बी निकालने के लिए भी पहले इक्वेट करना पड़ेगा एट एल एच एस एंड आर एच एस में। ठीक है, एल एच एस और आर एच एस इक्वेट करना पड़ेगा, तब हमें प्रेशर हेड एट बी की वैल्यू मिलेगी। और बाद में हम प्रेशर के फॉर्मूले में जो है वैल्यू पुट करके प्रेशर एट पी जो है वो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम अभी अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरी एच वन वगैरह वैल्यू निकाल ली है, तो हम सीधा जो है इक्वेट करना जो है शुरू करते हैं एट एल एच एस। यहाँ पे लिखेंगे एट एल एच एस ऑफ यू ट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, तो आप पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा, देखिए यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, आपको पता है कि ये हमारी अगर वाई एक्सिस है। ठीक है, हमारी वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे हम जब ऊपर जाते हैं तो प्लस का साइन होता है, और जब नीचे आते हैं तो माइनस का साइन होता है। यहाँ पे भी वैसे ही जो है अप्लाई होगा, हम अगर ऊपर जा रहे तो प्लस होगा, अगर नीचे जा रहे तो माइनस होगा। पर माइनस का कहाँ से होगा? देखिए, यहाँ पे प्रेशर हेड जो है एट ए वो सबसे नीचे होगा, तो उसकी वैल्यू भी सबसे बड़ी होगी, तो हम उसमें से जो बाकी की वैल्यूज आएगी उसे हमें माइनस माइनस करते जाना है। ठीक है, मतलब बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू जो माइनस करेंगे वो यहाँ पे हमें करना है। तो हमें पता ही है कि यहाँ पे सेंटर जो पाइप होता है, यहाँ पे प्रेशर हेड एट ए है, तो हमें प्रेशर हेड एट ए वो लिखेंगे माइनस, ये पाइप है यहाँ पे, इस पाइप की भी कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी और उसकी भी कुछ हाइट है 300 mm, तो इसका भी जो है कुछ प्रेशर हेड में इसकी प्रेशर भी उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं H1S1। ठीक है, हमें इन दोनों की वैल्यू पता है, और एच ए जो है प्रेशर हेड एट ए उसकी वैल्यू हमें पता है, तो हम इसे जो है इस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसकी 2 - 0.3 × 1। तो यहाँ पे हमें आंसर जो मिलेगा वो होगा हमारा 1.7। ठीक है, 1.7 यहाँ पे जो है लिख लीजिए, मीटर वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे लिक्विड नहीं, क्योंकि वो कुछ वैल्यू नहीं निकाल रहे, बस एल एच एस का सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल एच एस एट आर एच एस राइट हैंड साइड ऑफ यू ट्यूब मैनोमीटर, हो जाएगा, देखिए एच पी यहाँ पे आ जाएगा पहले, प्रेशर हेड एट पी वो होगा, उसमें से हम माइनस करेंगे H2, तो ये वाला पाइप जो है यहाँ से यहाँ तक का उसकी हाइट और स्पेसिफिक ग्रेविटी, और बाद में ये जो ऑयल है लिक्विड है उसकी हाइट और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे H2S2 - HS। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एच बी जो है, एच बी की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी थी, तो हमें यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू निकल गई है। एच वन की वैल्यू जो है, एच टू की जो है, एच टू की वैल्यू हमें पता है 0.25 × 1 होता है, और माइनस एच की जो वैल्यू है हमें यहाँ पे जो है 150 mm दी है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.15 m × एस जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमें ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो क्वेश्चन में दी थी वो थी 0.8। यहाँ पे 0.8 जो है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पे जो आंसर जो मिलेगा हमारा वो होगा एच पी
-0.37। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इक्वेटिंग बोथ साइड्स ऑफ यू ट्यूब मैनोमीटर, हमें जो इक्वेशन होगा वो बनेगा 1.7 इक्वल टू एच पी -0.37। जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे ये जो है प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें आंसर जो मिलेगा एच पी इक्वल टू 2.07 मीटर। ठीक है, तो प्रेशर हेड एट बी जो हमारी वैल्यू मिली वो है 2.07 मीटर। तो अभी हमें जो है एक इक्वेशन पता है जो है प्रेशर इक्वल टू वेट डेंसिटी इनटू प्रेशर हेड। देखिए यहाँ पे वेट डेंसिटी जो होती है वो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है वो होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वेट डेंसिटी जो सभी इसमें हम अप्लाई करते हैं, और प्रेशर हेड जो है हमारा इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है। तो प्रेशर एट पी जो है इक्वल टू होगा डब्लू इंटू प्रेशर हेड एट पी। तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे 9.81 इंटू 2.07। ठीक है, तो हमारा आंसर जो यहाँ पे बनेगा वो होगा 20.30 किलो पास्कल। ये हो गया हमारा प्रेशर एट पी। तो क्वेश्चन में जो है प्रेशर एट इन पाइप पी निकालना था, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेशर इन पाइप पी इज 20.3 किलो पास्कल। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपको जो है हमारी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।